बढ़ते आगे उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने जी मीडिया से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया, साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी बात की। फायर ब्रांड नेता है साक्षी महाराज, जो बयान देते हैं तो राजनीति में चर्चा का विषय बन जाता है। इस समय वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद। पहले बांग्लादेश में जो अनस्टेबिलिटी है, पूरा आप देख रहे हैं, लगातार खबरें आ रही हैं कि वहां पे अल्पसंख्यक हैं जो खासकर हिंदू हैं, उनके मंदिरों को, घरों को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? जानकारी में है कि सरकार से कुछ बात बात हुई इस बारे में आप लोगों की? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जो पूरा का पूरा विपक्ष, जिसे हम इंडी गठबंधन कहते हैं, उसे हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक हुई तो बहुत चर्चा है, चिंता है, गला फाड़ फाड़ करके उनकी पक्षधारी करता है, लेकिन जो स्थितियां बांग्लादेश में पैदा हुई, मंदिरों को जलाया गया, लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया, वहां से खदेड़ा गया, आज तक राहुल गांधी ने, अखिलेश यादव ने या विपक्ष के किसी भी नेता ने बांग्लादेश के जो अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोग हैं, बौद्ध समाज के लोग हैं या ईसाई समाज के लोग हैं, उनके पक्ष में एक भी शब्द नहीं कहा। एक सवाल आपसे ये भी है, देखिए इराक में एक अमेंडमेंट बिल आया, उसमें जो लड़कियों की उम्र है वो घटाकर 9 साल कर दी गई, और ये कहा जा रहा है कि 15 साल के लड़कों से भी शादी कर सके 9 साल की जो लड़कियां, इससे ऐसी भी चिंता है या चर्चा है कि इससे जो है बाल विवाह को बढ़ावा मिलेगा या इस टाइप का जो मैसेज जाएगा वो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। अब ये जो आप बता रहे हैं कि 9 साल की लड़की का विवाह 15 साल के लड़के के साथ में, ऐसा अमेंडमेंट बिल इराक ने पास किया है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मुझे लगता है नारी जगत के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय है, हमारी सरकार, हम लोग इसके विरोध में है, लेकिन मुस्लिम बहनों को भी अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी।